हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं लाइब्रेरी की एक जॉब नोटिफिकेशन को, जो कि निकली है भारती कॉलेज की तरफ से। आपको बता दूं, भारती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज है जो कि साउथ दिल्ली के अंदर है। और इस जॉब नोटिफिकेशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे तो इसके अंदर कई सारी जॉब हैं, लेकिन हम यहाँ पर लाइब्रेरी की जॉब को देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली जॉब निकल कर आती है, वो निकल कर आती है लाइब्रेरियन की। और इसके बाद जो है वो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी की, और इसके बाद है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, और इसके बाद एक और है MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट की। तो ये सारी यहाँ पर जॉब हैं जो कि लाइब्रेरी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली जो जॉब है लाइब्रेरियन की, ये जॉब केवल PWD कैंडिडेट के लिए है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल पोस्ट एक है और एक जो पोस्ट है वो भी PWD कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं कि जो PWD कैंडिडेट की जो जितनी भी जॉब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारी ही ऑफलाइन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब है, अगर वो जॉब आप PWD कैटेगरी से भरना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहली जॉब है लाइब्रेरियन की PWD कैटेगरी की, और बाकी सब आप यहाँ पर देख सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आपकी एज कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो जॉब है वो है 6th सीरियल नंबर पर, जैसा कि आप देखेंगे, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, और टोटल पोस्ट एक ही है और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 है, और बाकी आप आगे देख सकते हो सैलरी। इसके बाद आप देखेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट भी एक ही है और ये भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। और इसके आगे भी आप अपनी सैलरी और एज लिमिट देख सकते हो, जो कि है 30 एज लिमिट है, मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। इसके अलावा एक और है जो कि है MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट की, जो कि आपको सीरियल नंबर 11 पर मिलेगी। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 3 हैं, और इसके अंदर एक जो है वो अनरिजर्व्ड की है, एक जो है वो OBC की है, और एक जो है वो PWD कैंडिडेट की है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 27 है, और इसके अलावा आप आगे सैलरी देख सकते हो। तो आपको बता दूं कि अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, या फिर OBC कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप PWD कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर जो कॉलेज है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रही है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, अब आपकी जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्वालिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है, तो क्वालिफिकेशन के लिए एक आपको क्वालिफिकेशन का एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एक जो फुल नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हैं। तो देखिए, वैसे तो लाइब्रेरियन की मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन लाइब्रेरियन की केवल PWD कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आप PWD कैंडिडेट से हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि MLib जो है अगर आपने कर रखी है, और इसके अलावा जो नेशनल लेवल का कोई भी टेस्ट है जो कि UGC ने अप्रूव कर रखा है, अगर आपका वो क्लियर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो दो यहाँ पर है, और MLib में आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर तो वैसे बहुत सारा है, 28 पेज की पूरी नोटिफिकेशन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं और मेन देख लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारी नोटिफिकेशन थी वो थी किसकी थी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की थी एक। तो देखिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मांगा गया है कि अगर आप 12th पास हैं और आपने CLIS कर रखा है, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कर रखा है, या फिर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है, और इसके अलावा अगर आप BLib भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि केवल एक ही पोस्ट है, और मैक्सिमम एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 है, और बाकी सब कुछ यहाँ पर इसके बारे में पूरा नोट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक पोस्ट थी जो कि थी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो एक ही है, और वो भी अनरिजर्व्ड के लिए है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंप्लीट, जो कि 50% से कंप्लीट हो, और इसके अलावा आपने BLib या BLIS कर रखी हो 50% से,
और इसके अलावा जो है आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि 6 महीने का हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 है। और इसके अलावा काफ़ी सारा यहाँ पर बताया गया है भाई कि क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप पूरा पढ़ सकते हो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ओके, इसके अलावा एक और है जो कि है MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट की, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने 10वीं कर रखी है और इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है लाइब्रेरी से रिलेटेड या डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है या जो टोटल पोस्ट हैं वो शायद 3 थी, और इसके अंदर जो है एक OBC की है, एक PWD की है और एक जनरल की है। तो अनरिजर्व्ड से भी आप अप्लाई कर सकते हो, OBC से भी। तो ये यहाँ पर है टोटल। और इसके अलावा आपको पता ही है कि कंप्यूटर नॉलेज तो होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर वो 27 है। और इसके भी ये सारा भाई नोट दे रखा है, तो ये नोट आपको पूरा पढ़ना होगा, आप देख सकते हो। और इसके अलावा आपको बता दूं कि एप्लीकेशन जो है अगर आपने PWD कैंडिडेट से भरना है तो भाई ऑफलाइन भरना पड़ेगा, इसके अलावा ऑनलाइन भरना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हो तो आपको उसका परफॉर्मा चाहिए होगा या फॉर्म चाहिए होगा, तो फॉर्म जो है वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ पर बता रखा है, आप देखेंगे ये वाली जो कि 18 पर है, सीरियल नंबर 18 पर, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि भाई बहुत कुछ है नोटिफिकेशन के अंदर, और फ़ीस भी बताई गई है, ऑनलाइन फ़ीस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये भाई ऑनलाइन फ़ीस होगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करने का मन बना रहे हो तो आपको फ़ीस भी पे करनी होगी, और अगर आप OBC या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको 500 रुपये देने होंगे। और SC ST की तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन अगर आप SC ST से हो और आप भरना चाहते हो तो आपको अनरिजर्व्ड से ही भरनी होगी, और उसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। ओके, इसके अलावा जो है वो काफ़ी बड़ी नोटिफिकेशन है, और कुछ देख लेते हैं अगर कुछ काम का है तो। बाकी आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसके अंदर सिलेबस भी है, तो बाद में भाई यहाँ पर आपको आगे सिलेबस भी मिल जाएगा। तो ये सेक्शन ऑफिसर का है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट वाला है, और इसके अंदर आपको बताया गया है कि बकायदा 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 एक पेपर 2, और जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके अंदर क्या क्या होगा ये भी बताया गया है। और ये जो सबसे पहला पेपर 1 होगा इसके अंदर लाइब्रेरी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इस तरह के 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का होगा जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसके अलावा पेपर 1 के अंदर और क्या क्या होगा वो सब यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई पेपर 1 के अंदर और क्या क्या है, और इसका भी और डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो और डिटेल सिलेबस नीचे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पेपर 1 का ही डिटेल सिलेबस है ये, और A to Z सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा पेपर 2 की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये पेपर 2 की इन्फॉर्मेशन है कि पेपर 2 के अंदर क्या क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको सारी जितनी भी पोस्ट हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड उनका सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और दोस्तों आपको बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।